व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू रेची फिटनेस एंड माय नेम इज अवि। आज हम बात करेंगे फ्रंट स्क्वाट के बारे में, स्पेसिफिकली बारबेल फ्रंट स्क्वाट, हाउ टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इन द बेस्ट वे पॉसिबल एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, जो बहुत सारे लोग परफॉर्म करते हैं, उस कॉमन मिस्टेक पे काम करे भी ना ही लोग वेट्स ऐड करते रहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच इवेंचुअली उनका प्रोग्रेस जो है बारबेल फ्रंट स्क्वाट में वो बहुत जल्दी स्लो डाउन हो जाता है। जो थ्रेशोल्ड है, जो सीलिंग पॉइंट है, वो बारबेल फ्रंट स्क्वाट में बहुत जल्दी आ जाता है, एंड मेनी पीपल एंड अप नॉट डूइंग फ्रंट स्क्वाट्स एट ऑल। सो गाइस, नाउ अब बात करते हैं पॉइंट्स ऑफ परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। सो इसके हाउ टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज, आई एम गोना शो इट विद टू डिफरेंट वेज, विद एन एम्प्टी बारबेल आल्सो एंड आल्सो विद अ बारबेल रैक। सो गाइस, बारबेल रैक में बहुत सारे और भी टाइनी डिटेल्स, बहुत सारा इलैबोरेटेड स्टेप्स होते हैं। सो अगर कुछ मिस आउट हो जाता है, एंड डोंट वरी, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर बिगिनर्स, जो लोग अभी बारबेल फ्रंट स्क्वाट स्टार्ट कर रहे हैं या अपने इनिशियल फेज में और उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। सो गाइस, पॉइंट्स ऑफ परफॉर्मेंस में सबसे पहली चीज़ है विच इज द ग्रिप, राइट? सबसे पहले आप बारबेल को ग्रिप करोगे, सबसे पहली बात करेंगे ग्रिप। तो स्टैंडर्ड कंफर्टेबल ग्रिप इज वन थंब डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ योर थाई, और If you're unracking the bar rack from the barbell rack, तब आप grip करोगे barbell को slightly outside your shoulders. Basically वो grip आपके हिसाब से comfortable होनी चाहिए. It should not be narrow at all. आपके knuckle shoulder पर touch नहीं करने चाहिए. Your hand should be coming slightly outside your shoulders. So अगर आप empty bar से उठा रहे हो, you can check one thumb distance from the end of the thigh. अगर आप unrack कर रहे हो, तो आप directly grip करोगे barbell को slightly outside your shoulders. स्टेप नंबर टू का इज द बारबेल शुड बी रैक्ड ऑन योर टॉर्सो, राइट? कोई सेपरेशन नहीं होना चाहिए टॉर्सो और बारबेल के बीच में। बारबेल शुड बी कंप्लीटली रेस्टिंग ऑन योर टॉर्सो। फ्रॉम देयर यू कैन कम अंडर द बार फर्स्ट। आप वहीं पे थोड़ा सा वाइड स्टेप, वाइड स्टांस लोगे, स्लाइटली वाइडर देन हिप्स, यू कैन रोल योर एल्बोज ऑल द वे अप एंड हाई, यू कैन टेक टू स्टेप्स फॉरवर्ड। एंड गाइस, द नेक्स्ट थिंग विच इज द थर्ड थिंग इज योर स्टांस। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टांस। A general stance, a stance which covers almost all the population, is slightly wider than your hips, guys. So let's say this is my hip width stance. इससे मैं slightly बाहर step करूँगा. So this is my slightly wider than hip stance. For some cases, it's also your shoulder width stance. Next thing, guys, I'll have my toes pointing slightly out so that every time I squat down, मेरे knees point out करेंगे toes की line में. Last thing, guys, is the breathing pattern. So guys, every time you're gonna squat down, you're gonna take a deep inhale. You're gonna hold that breath, you're gonna brace your core, you're gonna brace your ribs, you're gonna keep your spine really tight. Assuming कि आप अभी से heavy weight squats कर रहे हो, breathing pattern बहुत ज़्यादा important है guys. Now you're gonna go down, hold your breath, on the way up you're gonna exhale and you'll be having your perfect front squat position. Guys, breathing बहुत ज़्यादा important है. You're not gonna feel much importance of breathing जब आप lightweight या empty bar से कर रहे होगे, but अगर आप empty bar या starting से breathing को inculcate नहीं करोगे, when you're moving on to your heavier lifts, you're gonna experience fatigue really soon. अगर आपका breathing pattern imprinted नहीं है properly आपके mind में, जब आप बहुत heavy weights पे जाओगे, अपने हिसाब से heavy weights पे shift करोगे, आपकी progress फिर से slow हो जाएगी, just because you are not breathing properly and you will be gassing out soon. That's why मेक श्योर आप ब्रीथिंग पैटर्न को भी प्रॉपरली इंकल्केट कर रहे हो इन योर माइंड एंड इम्प्लीमेंटिंग इट इवन इन योर वार्म अप सेट्स। सो गाइस, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। पहले देखते हैं हम एक डेमोन्स्ट्रेशन हाउ द रॉन्ग रैप लुक्स लाइक। तो जैसे कि आप इस रेपिटेशन में देख पा रहे हो, बारबेल कंटिन्यूसली टॉर्सो के कॉन्टैक्ट में नहीं है, इट्स कमिंग ऑन एंड ऑफ। नेक्स्ट थिंग गाइस इज द एल्बो पोजीशनिंग। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एल्बोज आर नॉट पॉइंटिंग ऑल द वे अप एंड हाई, एल्बोज थोड़ा सा फ्लोर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ विच व्हाट्स गोना हैपन इज, लेट्स से अगर आप 100 केजी से फ्रंट स्क्वाट कर रहे हो, अगर आपके एल्बोज ऑल द वे अप एंड हाई नहीं है, द बारबेल इज गोना फॉल फॉरवर्ड, बिकॉज उसको काउंटर करने के लिए आपके एल्बोज उस पोजिशन पर प्रेजेंट ही नहीं होंगे। So guys, why is this happening? What is the reason behind this common mistake? What's stopping you from getting the perfect front rack position? So guys, इसके पीछे हैं चार reasons. First thing is the lack of external rotation in your shoulder joint. Second thing is the mobility of your elbow. Third thing is the mobility of your wrist joint. And fourth and the last thing guys is the tightness in your lat muscles. अगर आपके lat muscles में flexibility नहीं है, आप अपने एल्बोज को ऑल द वे अप एंड हाई नहीं ले जा पाओगे। सो गाइस, दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर फ्रंट रैक पोजीशन की मोबिलिटी लैक करते हैं और उस पर काम नहीं करते हैं सेपरेटली। सो गाइस, कैसे करेक्ट करें?
अपने फ्रंट रैक पोजीशन को आई एम गोना शेयर द बेस्ट टू मोबिलिटीज, बेस्ट टू एक्सरसाइजेस, बेस्ट टू ड्रिल्स जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना फ्रंट रैक वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले. इन योर वार्म अप्स यू कैन स्पेंड अराउंड 30-45 सेकंड्स ऑन वन मोबिलिटी, 30-45 सेकंड्स ऑन द सेकंड मोबिलिटी, एंड इन टोटल आप कर सकते हो इसके 2-3 राउंड्स. सो गाइस द फर्स्ट वन इज द क्लासिक पीवीसी पाइप शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन. इसका डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने एक सेपरेट वीडियो अंडर द नेम अनलॉक योर शोल्डर मोबिलिटी में पोस्ट किया. यू कैन चेक दैट वीडियो आउट ऑन हाउ टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर मोबिलिटी करेक्टली. सेकेंड ड्रिल गाइज इज द फ्रंट स्क्वाट मिमिक. गाइज इसको परफॉर्म, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे बेस्ट चीज रहेगी स्मिथ मशीन. यस यू हर्ड मी राइट गाइज, फाइनली स्मिथ मशीन का बेस्ट यूज इज आउट टू प्रैक्टिस फ्रंट स्क्वाट. गाइज एज यू कैन सी वाइल परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर ड्रिल, मेक श्योर द बारबेल स्टेज इन कॉन्टैक्ट विद योर टॉर्सो एंड परफॉर्म दिस ड्रिल विद अ स्लो एंड स्टेडी टेम्पो. सो गाइस दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर फ्रंट स्क्वाट. लेट मी नो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, कुछ भी आपने नया सीखा हो इस वीडियो में या कुछ मिस आउट हुआ हो, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. लिंक फॉर द सेम इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.